हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के डिस्कशन में। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप सेकंड चैप्टर के श्लोक संख्या 52 पे चर्चा करेंगे। तो कल हमने चर्चा किया था ये श्लोक पे, कर्मचं बुद्धियुक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम्। इसमें भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि जो बुद्धि युक्ता यानी भगवान के भक्ति योग में जो स्थित है वो मनीषिणा है। मनीषिणा मतलब असली विद्यमान विद्वान व्यक्ति। जैसे यजन्ति ही सुमेधसा यज्ञ संकीर्तन प्रायण यजन्ति ही सुमेधसा, असली बुद्धि शुद्ध बुद्धि या असली बुद्धि रखने वाले व्यक्ति कौन है जो भगवान का संकीर्तन के द्वारा हरे कृष्ण महामंत्र के नाम के जप के द्वारा उनका पूजा करते हैं। तो कृष्ण भी गीता के श्लोक में बता रहे हैं कि जो असली सेज है असली जो विद्वान व्यक्ति हैं वो इस प्रकार से अपने आप को बुद्धि योग में लगाते हैं यानी भगवान के भक्ति योग में लगाते हैं और कर्म जम फलम त्यक्त्वा, कर्म से जनित फलों को त्याग देते हैं, उससे छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं। वहीं दूसरी ओर ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानिनस, लेकिन जो अन्य अन्य मतलब जो बुद्धि युक्ता नहीं है वो तो कुछ और रूप से ज्ञान युक्ता कर्म युक्ता ध्यान युक्ता है, तो वो लोग कितना भी प्रयास करें और बहुत सारे शास्त्रों का अध्ययन करने के पश्चात कुछ जो है अपनी विद्वत्ता को प्रदर्शित करने का प्रयास करें और यहाँ तक कि अपने आप को विमुक्त मानिन वो अपने आप को मुक्त मान लेते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी इस रूप में बोलते हैं कि वो अपने आप को मानते हैं ऐसा है नहीं। क्यों? क्योंकि वास्तव में वो भगवान के चरण कमलों का अनादर करते हैं और इसलिए पतन किया था, वापस उनका पतन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो असली मनीषिणा है वो वास्तव में जन्म बंधा विनिर्मुक्ता, यहाँ भगवान बोल रहे हैं जो असली बुद्धिमान व्यक्ति है वो कर्म जन्म कर्म से जनित होने के कारण जितने भी प्रकार के फल हैं बीजम कूटम फलोन्मुखम प्रारब्धम अप्रारब्धम, जितनी भी पांचों एक प्रकार की चीजें हैं उसको उससे छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं और इस प्रकार से जन्म बंधा विनिर्मुक्ता, जन्म बंध से पूरी तरह से मुक्त हो जाते हैं। और केवल इतना ही नहीं, पदम गच्छन्ति अनामयम, तो अनामयम पद को प्राप्त करते हैं। अनामयम का मतलब होता है वैकुंठ लोक, ऐसा जगत ऐसी जगह है जहाँ पे किसी भी प्रकार का दुख नहीं है शोक नहीं है कष्ट नहीं है, तो ऐसे पदम को ऐसे जगत को प्राप्त करते हैं पदम गच्छन्ति अनामयम। ये बहुत ही सुंदर श्लोक भगवान यहाँ पे बुद्धि युक्ता या भक्ति योग में जो स्थित भक्त हैं यानी जो भगवान के शुद्ध भक्ति योग में लगे हैं उनका क्या क्या फल प्राप्त करते हैं यहाँ पे वो वर्णन कर रहे हैं। अब अगले श्लोक में कल हम लोग ये चर्चा किए थे, अब आज के श्लोक में चर्चा करेंगे। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदागंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। यदा ते मोह कलिलम वेन योर इंटेलिजेंस सच इंटेलिजेंस विच इंटेलिजेंस, बुद्धि योग का जो बुद्धि योग भक्ति योग में लगने के कारण जब किसी की प्रज्ञा ये बुद्धि प्रज्ञा भी बोलते हैं आगे के श्लोक में अर्जुन प्रश्न पूछेंगे स्थित प्रज्ञस्य का आभासा, तो स्थित हो जाती है जिसकी बुद्धि, कब बुद्धि स्थित होती है जब इस प्रकार से बुद्धि योग में लग जाती है, तो उसका लक्षण क्या होता है। वेन योर इंटेलिजेंस हैज पास आउट ऑफ द डेंस फॉरेस्ट ऑफ डिल्यूजन यू शैल बिकम इनडिफरेंट टू ऑल दैट हैज बीन हर्ड एंड ऑल दैट इज टू बी हर्ड। जब अर्जुन तुम इस प्रकार से अपने आप को भक्ति योग में शुद्ध भक्ति योग में लगाओगे बुद्धि योग में स्थित होकर के कार्य करोगे तो तुम्हारा जो बुद्धि है जो प्रज्ञा है वो स्थित हो जाएगा, स्थित प्रज्ञा हो जाएगा, यानी तुम्हारा बुद्धि जो है हर प्रकार के जो मोह है मोह कलिलम, कलिलम का मतलब होता है बहुत गहरा मोह, जो इस संसार में जो मोह है जो ऐसे जीवात्माएं हैं उनका कोई छोटा मोटा मोह नहीं है, बहुत गहरी तरह से मोह व्यक्तियों को जगड़ के रखा है, डेंस फॉरेस्ट उसको बोला गया है। डेंस फॉरेस्ट कलिलम का मतलब होता है बहुत ही घना जंगल है, इतना घना जंगल ऐसे भी घने जंगल होते हैं जहां पे अगर उसके गहराई में कोई घुस गया तो दिन में भी उसको रात्रि के अंदर यहाँ पे सूर्य का प्रकाश पहुंचता ही नहीं, इतना डेंस फॉरेस्ट होता है। तो इसी प्रकार से जीवात्मा मोह ग्रस्त होने के कारण
और सबसे बड़ा मोह क्या अपने बारे में ही अज्ञानता, कि मैं ये शरीर ये जो मानते हैं अपने आप को शरीर या मन बुद्धि समझ करके जो व्यक्ति इस प्रकार से जीवन व्यतीत करते हैं तो वो मोह कलिलम की स्थिति। मोह कलिलम मतलब डेंस फॉरेस्ट ऑफ इल्यूजन, बहुत ही गहरे जंगल, मोह के बहुत ही गहरे जंगल में रहते हैं। लेकिन ये जो बुद्धि योग वाली, जो भगवान से प्राप्त भक्ति योग करके जो बुद्धि प्राप्त होती है, वो उस तेज सूर्य की किरण के समान है जो गहरे से गहरे जंगलों से भी प्रवेश करके वहां पे उजाला क्रिएट कर देती है, रोशनी बना देती है। और उस रोशनी में फिर व्यक्ति को साफ साफ सब कुछ दिखने लग जाता है कि क्या चीज कहाँ पे है, कहाँ से जाना चाहिए, क्या रास्ता है और कहाँ से नहीं जाना चाहिए। जब तक व्यक्ति अंधकार में रहता है तब तक उसको भ्रम रहता है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ से जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप रात्रि के अंधेरे में हैं और आप किसी गंतव्य में जाना चाहते हैं, कहीं जाना चाहते हैं, तो आपको पता नहीं चलेगा, आपका गाड़ी स्लो हो जाएगा, या आप पैदल चल रहे हैं तो धीरे धीरे चलेंगे, डर डर के चलेंगे कि क्या मैं सही रास्ते से जा रहा हूँ, कि आगे गड्ढा वगैरह तो नहीं आएगा, और आप पूछते हुए चलेंगे कि क्या ये सही रास्ता है, ये जहाँ पर मुझे जाना है वही रास्ता है। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीजें हम सुनते हैं और बहुत सारे लोगों से हम सुनेंगे, सुनने का प्रयास करते हैं कि उचित रास्ता क्या है, उचित पथ क्या है ताकि मैं जा सकूं। लेकिन जैसे ही दिन का उजाला होता है और व्यक्ति को अज्ञानता भी दूर हो जाती है, पता चल जाता है कि हाँ ये इस रास्ते से मुझे जाना है, फिर वो किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ती और ना ही कहीं पे कोई साइन बोर्ड है उसको देखने का जरूरत पड़ता है, उसको रास्ता क्लियर पता चलता। उसी प्रकार से जिस व्यक्ति का बुद्धि बुद्धि योग में स्थित हो जाता है, यानी भक्ति करके जिसका बुद्धि पवित्र हो जाता है और जो शास्त्रों के निष्कर्ष को जान लेता है, तो फिर उसको अन्य किसी भी प्रकार से कुछ जो बाकी जो मार्ग हैं उनको सुनने का आवश्यकता नहीं पड़ता है, और ना ही जो बहुत कुछ अभी सुन सुन के रखा है उसको पालन करने का आवश्यकता पड़ता है। इसलिए यहाँ भगवान बोल रहे हैं, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर व्यतिरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम। तब व्यक्ति जो है हर प्रकार के जो निर्वेदम, निर्वेदम का मतलब होता है उदासीन हो जाता है, कलियसनेस, कि संसार में रह करके किस प्रकार से जीवन शैली होना चाहिए, किस प्रकार से कार्य करना चाहिए। अलग अलग प्रकार के व्यक्ति आएंगे और अलग अलग प्रकार का अपना जो है मोटिवेशन देंगे कि आपको ये करना चाहिए, प्रेरणा प्रदान करेंगे। कोई नेता होगा, नेता अलग प्रकार से उसकी जीवन शैली, अलग प्रकार से जीवन को जीने के सिद्धांत बताएगा। वैज्ञानिक है वो अलग प्रकार से बताएगा, जो सेलिब्रिटी है वो अलग प्रकार से बताएंगे, जो ज्ञान मार्ग में है उन लोग अलग प्रकार से बताएंगे, कर्मी कर्म मार्ग अलग बताएंगे, ध्यानी अलग बताएंगे, अभक्त लोग बताते हैं इस प्रकार से। लेकिन इस प्रकार से जब तक कोई मोह में रहता है, जिसका बुद्धि कलिलम डेंस फॉरेस्ट मोह कलिलम, यानी मोह के जो गहरे जंगल में जिसका बुद्धि फंसा रहता है, तब तक उसको कुछ साफ साफ दिखता नहीं, तो वो जिसको उसको जो व्यक्ति जैसा गाइड करेगा वैसे ही चलने लगता है। फिर कुछ समय के पश्चात कोई और आके कुछ बोलेगा तो वैसा चलने लग जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि जब ये मोह कलिलम से बुद्धि व्यतिरिष्यति, ये बुद्धि निकल जाएगी और शुद्ध बुद्धि का पालन करके बुद्धि योग प्राप्त करके तदा घंतासि निर्वेदम, तब वो व्यक्ति जो है हर प्रकार के भक्ति विरोधी तत्वों से उदासीन हो जाएगा, चाहे वो कितना भी बड़ा व्यक्ति कुछ भी क्यों ना बोले। और इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है प्रहलाद महाराज, तदा गंतासि निर्वेदम, परफेक्ट एग्जाम्पल प्रहलाद महाराज, क्योंकि प्रहलाद महाराज अकेले थे जो भक्ति मार्ग का पालन कर रहे थे, बाकी उनके सब पिताजी, उनके जो सहपाठी, उनके टीचर गुरु और आसपास के जितने भी सिटीजन थे, नागरिक थे, सब लोग क्या पालन कर रहे थे, आसुरी प्रवृत्ति का पालन कर रहे थे, हिरण्यकश्यपु के बताए हुए मार्ग का पालन कर रहे थे। हिरण्यकश्यपु ने तो यहाँ तक कि शास्त्रों को भी बदल दिया था, वैदिक मंत्र में भी बदलाव कर दिए थे, जहाँ पे नारायण अर्पणस्तु होता तो वहाँ पे हिरण्यकश्यपु अर्पणस्तु कर दिया था, नारायण को जहाँ पे प्रणाम करना होता वहाँ पे हिरण्यकश्यपु अपना नाम बोल दिया था, नमो नारायण की जगह नमो हिरण्यकश्यपाय नमः कर दिया, तो इतना सब परिवर्तन कर दिया। हाँ, पुण्य करने से नरक में जाएगा और पाप करने से स्वर्ग की प्राप्ति होगी, तो इस प्रकार से पूरा शास्त्र भी चेंज कर दिए, पूरा सब कुछ
अलग है माहौल, लेकिन उसमें प्रहलाद महाराज विचलित नहीं हुए, क्योंकि उनका जो बुद्धि था वो शुद्ध बुद्धि में स्थित था, बुद्धि योग में स्थित थे वो, क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्ति मार्ग में थे, और नारद मुनि के माध्यम से उन्होंने असली बुद्धि प्राप्त की थी, असली ज्ञान प्राप्त किया था, इसलिए बुद्धि योग में स्थित थे, और इसीलिए वो हर प्रकार के मोह कलिलम से फ्री थे, मोह कलिलम से पूरी तरह से मुक्त थे, इसीलिए तदागत घनतासी निर्वेदम वो उदासीन हो गए थे। हिरण्यकश्यपु का सम्मान तो करते थे, हाथ जोड़ के सम्मान करेंगे, प्रणाम करेंगे, लेकिन जब हिरण्यकश्यपु कोई भी भक्ति विरुद्ध तत्व बोलते थे उसको वो स्वीकार नहीं करते थे, इस कान से सुन के इस कान के अंदर नहीं जाता था, इस कान से ही बाहर निकाल देते, सुनते ही नहीं, और करते क्या थे जो नारद मुनि ने उनको ज्ञान दिया था। इसीलिए फिर आखिरी लाइन भगवान बोल रहे हैं श्रोतव्यस्य तस्य च, कि वो व्यक्ति जिसका बुद्धि स्थित हो जाता है भगवान के भक्ति योग में, भगवान या भगवान के शुद्ध भक्तों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करके जब बुद्धि स्थित हो जाता है भक्ति योग में, तब जो आज तक जो भी उसने अन्य भक्ति विरोधी तत्वों को श्रोतव्यस्य, श्रोतव्यस्य मतलब जो सुनने वाला है, और श्रुतस्य मतलब जो सुन चुका है, तो भक्ति विरोधी तत्वों को पहले जो भी सुन रखा है उस सब के प्रति भी निर्वेदम उदासीन हो जाता है, और जो आगे आगे आने वाले कई लोग सुनाएंगे भी कुछ कुछ चीजें करेंगे उसके प्रति भी निर्वेदम हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। जैसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, अभी आज के आधुनिक समाज में हर कोई भौतिक शिक्षा प्राप्त करता है, हम सब लोग स्कूल पढ़ते हैं, कॉलेज पढ़ते हैं, और 20-20 साल पढ़ के आते हैं, तो वो सब सुनते सुनते आते हैं और उसको हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि हाँ बीटेक करना है, पीएचडी करना है, साइंटिस्ट बनना है, फिर इतना पैसा कमाना है, उसको हम हाईली अप्रिशिएट करते हैं, यानी वो हमारे जीवन में बहुत अच्छा पोजीशन लेके रखता है। सब आजकल देखिए हर जगह लोग उसी को पूछते हैं जो जितना ज्यादा पढ़ा लिखा होता है, जितना अच्छे जगह से पढ़ के आता है, विदेश से पढ़ के आया है, पीएचडी करके आया है, तो उतना उसका नाम होता है, मेडिकल मेडिकल पढ़ाई किया है, इंजीनियरिंग किया है, ये पीएचडी किया है, ये डॉक्टर साहब है, अरे ये तो साइंटिस्ट है, ये सब मानते हैं, लेकिन ये सब कौन लोग इसको तब तक कौन लोग मानते हैं जिनके पास शुद्ध बुद्धि नहीं होती, लेकिन जो भगवत गीता को पढ़ के भक्तों के संग में रह करके असली बुद्धि प्राप्त कर लेते हैं, तो उनका तदा घनतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य सुतस्य च, जो भी अभी तक उन्होंने सुना है पढ़ा है वो सब जो है उसके प्रति उदासीन, यही कारण है कुछ लोग आश्चर्य आश्चर्य प्रकट करते हैं, अरे इस्कॉन में ऐसे ऐसे भक्त हैं, इतना सब पढ़ाई लिखाई करके टॉप कॉलेजेस से पढ़ते हैं, लाखों करोड़ों का पैकेज मिल सकता है, वो सब कैसे उदासीन हो जाते हैं, कैसे सब छोड़ देते हैं, वो ऐसे छोड़ देते हैं क्योंकि उनका जो है मोह कलिलम बुद्धिर व्यति तरिष्यति, जो मोह कलिलम, कलिलम मतलब डेंस फॉरेस्ट, ये जो मोह रूपी घना जंगल है जिसमें फंसे हुए थे, हमारा बुद्धि जिसमें फंसा हुआ था, लेकिन भगवान से बुद्धि ज्ञान प्राप्त करके उससे व्यति तरिष्यति, उससे पार निकल चुके हैं, निकल जाते हैं, इसीलिए गंतासि निर्वेदम, निर्वेद को प्राप्त कर लेते हैं, उदासीनता को प्राप्त कर लेते हैं, जो भी अभी तक हमने पढ़ के आए, सुन के आए, और केवल इतना ही नहीं भगवान बोल रहे हैं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च, श्रोतव्यस्य मतलब आगे भी जो सुनने को आएगा बहुत कुछ, कई लोग आएंगे अपने अपने ज्ञान का प्रदर्शन करेंगे और बहुत सारी चीजें बोलेंगे, तो भक्त सारग्राही होता है, भक्त केवल उन्हीं चीज को स्वीकार करता है जो भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति के लिए अनुकूल है, और जो भी चाहे कोई बहुत बड़ा विद्वान हो, बहुत बड़ा वैज्ञानिक हो, या बहुत जिसका नाम हो, मान रखता हो सोसाइटी में, समाज में, अगर वो कुछ भी आके सुनाएगा भक्त को, अगर वो शास्त्र के विरुद्ध है तो उसको भी वो निर्वेदम उदासीन हो जाता है उसको। अब कोई बड़ा व्यक्ति है, बहुत सम्मानीय व्यक्ति है, तो भक्त जरूर हाथ जोड़ के सुन लेगा, लेकिन उदासीन रहे, और इसके बारे में श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन चरित्र से देखते हैं, जब सार्वभौम भट्टाचार्य 7 दिन तक, सार्वभौम भट्टाचार्य बहुत महान विद्वान थे, मायावादी सन्यासियों को भी वो वेदांत सूत्रों का व्याख्या सुनाते थे, इतने महान थे, तो सार्वभौम भट्टाचार्य 7 दिन तक वेदांत सूत्रों का व्याख्या कर रहे, लेकिन वो व्याख्या उन्होंने मायावाद तरीके से किया, तो श्री चैतन्य महाप्रभु निघंटासि निर्वेदम 7 दिन तक सुनते रहे चुपचाप, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिए, और सार्वभौम भट्टाचार्य पूछे अरे आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप कुछ हाँ ना कुछ बोल नहीं रहे, तो महाप्रभु को कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, ये बोलते रहो आप जो बोल रहे हो वो सब यूजलेस व्याख्या है, क्योंकि आप सब भक्ति विरोध में बोल रहे हो, तो महाप्रभु बस आखिरी में बस यही बोलते हैं कि वेदांत सूत्र तो बहुत अच्छे से मुझे समझ में आता है,
लेकिन आपने जो व्याख्या किया वो इस प्रकार से जैसे सूरज को ढक दिया, सूरज को बादल से ढक दिया, स्पष्ट बता देते हैं। तो ये है भक्त का लक्षण कि गंतासि निर्वेदम सुरवेशो तपस्य सुतस्य चा, जो सुन चुका है, जो पढ़ चुका है, जो भी ऐसा चीज जो भक्ति के विरोध में था, भक्त बनने के पश्चात जब इसके लक्षण है, यानी कौन शुद्ध भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ रहा है, कौन वास्तविक रूप में भगवान के भक्ति योग में स्थित हो रहा है, तो लक्षण यहाँ पे कौन बता रहे हैं कि वो गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य सुतस्य चा, हर वो चीज जो उसने पढ़ा है, सुना है, जानता था, जो भी भगवान के भक्ति योग के विरुद्ध में है, वो सब के प्रति उदासीन हो जाता है। और आगे भी जो सुनने वाला है, पढ़ने वाला है, या कई लोग आके बताएंगे, उन सब के प्रति भी उदासीन हो जाता है। ये लक्षण यहाँ पे भगवान श्लोक में बता रहे हैं। और रूपाजी तात्पर्य में ये भी वर्णन करते हैं यहाँ तक कि धर्म धार्मिक अनुष्ठान और धार्मिक जो यज्ञ दान व्रत तपस्या भी है, जिसको बहुत बढ़ा चढ़ा के लोग मानते हैं, लेकिन अगर कोई भक्त शुद्ध भक्त बनता है तो वो सारे धार्मिक अनुष्ठान क्रियाकलाप यज्ञ दान तपस्या भी उसके लिए, उसके प्रति भी वो उदासीन हो जाता है। तो कृपा जी लिख रहे हैं, देयर आर मेनी गुड एग्जाम्पल्स इन द लाइव्स ऑफ ग्रेट डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड, ऑफ दोज हु बिकेम इनडिफरेंट टू द रिचुअल्स ऑफ द वेदा सिंपली बाय डिवोशन सर्विस। बहुत सारे उदाहरण हैं ऐसे। एक उदाहरण रूपा जी यहाँ पे कोट करते हैं शिला मानवेंद्रपुरी का, कि ऐसे उदाहरण हैं जहाँ पे कोई भक्त पहले अपने पिछले जीवन में बहुत सारे कुछ धार्मिक अनुष्ठान क्रियाकलाप करते थे, लेकिन जैसे उन्होंने भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त किया तो वो सब के प्रति उदासीन हो गए। When a person factually understands Krishna and his relationship with Krishna, he naturally becomes completely indifferent to the rituals of fruitive activities. Even though an experienced Brahmana, तो जब कोई व्यक्ति वास्तविक रूप में कृष्ण को समझ जाता है और कृष्ण से अपने संबंध को जान लेता है, तो स्वाभाविक रूप से वो पूरी तरह से उदासीन हो जाता है हर प्रकार के कर्मकांडीय रीति रिवाजों से, भले ही वो कितना बड़ा बहुत अनुभवी ब्राह्मण भी क्यों ना हो। यानी कहने का मतलब है कि अगर कोई बहुत ही स्मार्ट ब्राह्मण है, कर्मकांडीय ब्राह्मण है, बहुत सख्त भी है, लेकिन अगर वो किसी शुद्ध वैष्णव के आश्रम में आकर के भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति को जान लेता है, तो अपने सारे ब्राह्मणिकल कर्तव्य को भी छोड़ देगा, भगवान की भक्ति में केवल लग जाएगा, भगवान के नाम जप करने में। ऐसे एक उदाहरण आता है जब भगवान कृष्ण बलराम वृंदावन क्रॉस करके मथुरा के बॉर्डर के पास आ चुके थे, गायें चराते चराते खेलते खेलते काफी दूर आ गए थे, और सखाओं को भूख लगा, कृष्ण बलराम भेजते हैं द्विज पत्नियों के पास, ब्राह्मणों की पत्नियों के पास, जाओ उनसे प्रसाद लेके आओ। ब्राह्मण लोग यज्ञ करने में लगे हुए थे, आहुति देने में लगे थे, लेकिन वो लोग जो है मना कर दिए, लेकिन जो द्विज पत्नियां हैं वो हर प्रकार के ये जो धार्मिक रीति रिवाज है इसका, इसको छोड़ के भी भगवान को जाके कृष्ण बलराम उनके सखाओं को जाके खिलाया हूँ। ये भी एक उदाहरण है, जो उदासीन हो गए तो यहाँ तक कि जो धार्मिक जो चीजें हैं, तो आधार्मिक तत्व और अज्ञानता से उदासीन होना तो भक्त का स्वाभाविक लक्षण है। श्री माधवेंद्र पुरी अ ग्रेट डिवोटी एंड आचार्य इन द लाइन ऑफ द डिवोटी सेज, संध्या वंदन भद्रमस्तु भवतो भोस्तान तुभ्यम नमो भो देवास पितरस्य तर्पण विधौ नाहं क्षमा क्षमियताम यत्र क्वापि निषत्य यादव कुलोत्तमस्य कंसा दुषा स्मरामि स्मरामघं हरामि तदलं मन्ये किम् अन्येन मे। बहुत सुंदर श्लोक है। श्रील माधवेन्द्र पुरी पाद ईश्वरपुरी के स्पिरिचुअल मास्टर गुरु हुए, और ईश्वरपुरी श्री चैतन्य महाप्रभु, यानी श्री चैतन्य महाप्रभु के परम गुरु माधवेन्द्र पुरी हुए, और वो भगवान कृष्ण के अनन्य शुद्ध भक्त हैं। तो वो इस प्रार्थना में अर्थ वर्णन करते हैं। माधवेंद्र पुरी, जैसे पूरी टाइटल से पता चलता है कि वो सन्यासी थे, और सन्यासी के लिए तो वो जो ब्राह्मण होते हैं वही सन्यास ले सकते हैं, बेस्ट ऑफ द ब्राह्मण दे बिकम सन्यासी, जो ब्राह्मणों में भी श्रेष्ठ होते हैं वो सन्यासी बनते हैं, और उनके लिए तो बहुत सारी चीजें होती हैं धार्मिक क्रियाकलाप करने के लिए। तो यहाँ पे माधवेंद्र पुरी बोल रहे हैं, ओ माई प्रेयर्स 3 times a day, ऑल ग्लोरी टू यू, ओ बेथिंग आई ऑफर माई ओबेसेंसेज एंड यू, ओ डेमी गॉड्स, ओ फोर फादर्स, प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर माई इनएबिलिटी टू ऑफर यू माई रिस्पेक्ट्स, नाउ वेर एवर आई सिट आई कैन रिमेंबर द ग्रेट डिसेंडेंट
of the Yadu dynasty Krishna, the enemy of Kamsa, and thereby I can free myself from all sinful bondage. I think this is sufficient for me. तो क्या बोल रहे हैं कि संध्या वंदनम, गायत्री वंदना करते हैं, संध्या वंदन करते हैं 3 बार सुबह दोपहर शाम। तो उनको बोल रहा है मैं आपको बहुत प्रणाम करता हूँ, भद्रम अस्तु, संध्या वंदना। क्या आप ये जो संध्या वंदना है ये कर्मकांडी संध्या वंदन की बात कर रहे हैं? उस कर्मकांडी संध्या वंदन उसको भद्रम आपको प्रणाम है, भवतु भो स्नान तुभ्यम नमो, और सन्यासी 3 बार दिन में स्नान करते हैं तो उसके लिए भी वो बोल रहे हैं ओ बेथी आपको भी प्रणाम, और ओ डेमी गॉड्स हो देवास पितरश तर्पण विधाओ के देव पितृ तर्पण पिंड दान इसको भी नमस्कार है, सबको प्रणाम करते हैं, अनादर नहीं कर रहे हैं। लेकिन नाहम क्षम क्षमयताम, लेकिन अब मैं अनेबल हूँ, अब मैं जो मैं अब नहीं कर पा रहा हूँ, अब मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अब आपके लिए ये सब कार्य नहीं कर सकता। क्यों? यत्र क्वापि निषद्य यादव कुलोतमश्च कंस द्विषः, क्योंकि अब मैं जहां भी बैठता हूँ जैसी भी स्थिति में आता हूँ केवल मैं यादव कुल में कंसो कंस कंस को मारने वाले जो सबसे उत्तम यादव में जो सबसे उत्तम है यादव कुलोत्तमस्य कंस द्विषः कंस के शत्रु और यादव कुल के जो सबसे उत्तम है भगवान विष्णु, जैसे ही हर परिस्थिति में मेरे स्मरण में आते हैं, हर परिस्थिति में मेरे जीवन में उनका ही नाम आता है, इसलिए अब मैं कुछ करने के योग्य नहीं रह गया, अब मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। और स्मराम स्मराम अघम हरामि तदलम मन्ने कि मन्ने में, और केवल उनका स्मरण करने मात्र से मैं हर प्रकार से ऋण से मुक्त हो जा रहा हूँ और हर प्रकार के पाप जो है नष्ट हो जा रहे हैं, तो और कुछ करने की क्या आवश्यकता है। तो यहाँ पे उस भक्त की स्थिति बताई गई है जो भगवान के शुद्ध भक्ति में स्थित है, उसके ये लक्षण होते हैं। हम अभी साधक हैं, जब हम साधना भक्ति करते हैं तो हमारे लिए जो भी नियम है जो भक्ति के लिए फेवरेबल अनुकूल है, जैसे दिन में 3 बार स्नान करना और गायत्री जप करना और अन्य भी जो चीज़ें हैं जो नियम कानून बताए गए हमारे आचार्यों के द्वारा, तो हमको उसको पालन करना, उसको त्यागना नहीं है। ये यहाँ पे इस बात की महिमा को स्थापित करने के लिए गोपाल जी उदाहरण बता रहे हैं, जैसे श्लोक में कृष्ण बोल रहे हैं कि जो स्थित प्रज्ञ भक्त है, जो पूर्ण रूप से भगवान की शुद्ध भक्ति में स्थित हो चुका है, तो उसके लिए ये श्लोक है कि वो करने में अक्षम है, वो कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो केवल कृष्ण का निरंतर नाम स्मरण नाम जप कर रहा है। तो इसलिए ऐसे भक्त बाकी सब कुछ छोड़ के केवल भगवान के नाम जप करने में लग जाते हैं। द वैदिक राइट्स एंड रिचुअल्स आर इम्पेरेटिव फॉर नियोफाइट्स, कॉम्प्रीहेंडिंग ऑल काइंड्स ऑफ प्रेयर्स 3 times a day, टेकिंग अ बाथ अर्ली इन द मॉर्निंग, offering respects to the forefathers, etc. But when one is fully in Krishna consciousness and is engaged in transcendental loving service, one becomes indifferent to all these regulatory principles because he has already attained perfection. ये जो वैदिक rituals हैं और धार्मिक क्रियाकलाप हैं, ये नए नए लोगों को अध्यात्म मार्ग में बढ़ने के लिए help करते हैं। लेकिन जब कोई शुद्ध भक्ति मार्ग में लगता है उसको अन्य किसी का आश्रय लेने का आवश्यकता नहीं। अगर कोई हरे कृष्ण महामंत्र जप करने में पूर्ण श्रद्धा विकसित कर चुका है और भगवान की सेवा में निष्ठापूर्वक लगा है तो वह अन्य जितने भी व्रत हैं दान है तपस्या तो उसका त्याग कर सकता है और केवल भगवान कृष्ण की सेवा में लग सकता है। उसी को वो करने मात्र से उसको हर चीज को करने का फल मिल जाएगा। इफ वन कैन रीच द प्लेटफॉर्म ऑफ अंडरस्टैंडिंग बाय सर्विस टू द सुप्रीम लॉर्ड कृष्ण, ही हैज नो लॉन्गर टू एक्सक्लूड डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेनेंसेस एंड सैक्रिफाइसेस आई रिकमेंडेड इन द स्क्रिप्चर्स। अगर कोई इस स्तर पे पहुंच जाए कि भगवान की सेवा करने मात्र से ही सब कुछ हो सकता है, ये समझ विकसित हो जाए, तो उसको फिर अन्य प्रकार के बहुत सारे जो तपस्या है यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। एंड सिमिलरली इफ वन हैज नॉट अंडरस्टूड दैट द पर्पस ऑफ द वेदास इज टू रीच कृष्ण एंड सिंपली एंगेजेस इन द रिचुअल्स एटसेट्रा, देन ही इज यूजलेसली वेस्टिंग टाइम इन सच एंगेजमेंट्स। पर्संस इन कृष्ण कॉन्शियसनेस ट्रांसेंड द लिमिट ऑफ शब्द ब्रह्म और द रेंज ऑफ द वेदास। और वहीं दूसरी ओर ऐसे व्यक्ति जो असली उद्देश्य वैदिक साहित्यों का नहीं जानते हैं, क्यों वैदिक साहित्य का पालन करना है, कर्मकांड ये सब धार्मिक क्रियाकलाप करना है, तो वो अगर ये सब क्रियाकलाप करते भी हैं तो इसका भी कोई मतलब नहीं। तो इसलिए एक श्लोक आता है कि आराध्य आराध्य यदि हरि तपसा तथा केवल, ना आराध्य यदि हरि
तपस्या तथा कि अगर कोई भगवान हरि का आराधना में लगा है, भगवान हरि की शुद्ध भक्ति मार्ग में लगा है, तो उसको अन्य प्रकार के तपस्या ये सब करने का क्या मतलब है? और अगर कोई बहुत सारे तपस्या और बहुत सारे धार्मिक क्रियाकलाप तो कर रहा है लेकिन भगवान हरि का भक्ति नहीं कर रहा है, तो वो धार्मिक क्रियाकलाप तपस्या करने का फिर क्या मतलब? तो दोनों ही तरफ से ये बात सूचित होता है कि कृष्ण की भक्ति जो है शुद्ध भक्ति वही सर्वश्रेष्ठ है, उसी पे लगना चाहिए। तो इस श्लोक का ये एक महत्वपूर्ण शिक्षा होता है। सो थैंक यू वेरी मच। इसी साथ हम लोग यहीं पे विराम करते हैं। किस हरे कृष्ण।